प्राचीन काल की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत चिंतित और परेशान था। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। मेरे मन में इतनी सारी बातें चलती रहती हैं कि मैं शांति से रह ही नहीं पाता। कृपया मुझे इस मानसिक उलझन से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने युवक की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, आओ तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर तुम्हारे हाथ में एक कटोरा हो और उसमें पानी भरा हो, तो क्या तुम उसे एक जगह पर स्थिर रख सकते हो? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, अब अगर तुम उस कटोरे को लगातार हिलाते रहोगे तो क्या होगा? युवक ने कहा, पानी छलकने लगेगा और कटोरे में पानी स्थिर नहीं रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे मन के साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने मन को बिना रुके हिलाते रहते हो, यानी बार बार सोचते रहते हो, तो शांति कैसे मिलेगी? तुम्हारा मन भी कटोरे की तरह है। अगर तुम उसे शांत और स्थिर रखोगे तो उसमें भी शांति और स्पष्टता रहेगी। लेकिन अगर तुम हर समय उसे विचारों के झंझावात में उलझा कर रखोगे तो वह कभी स्थिर नहीं रहेगा। तो क्या मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है? बुद्ध ने समझाया, सोचना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। जब तुम बार बार वही बातें सोचते रहते हो जिनका कोई समाधान नहीं होता, तो तुम्हारा मन थक जाता है और परेशान हो जाता है। जीवन में हर चीज का सही समय होता है। ज्यादा सोचने की बजाय जो भी सामने है उस पर ध्यान केंद्रित करो और उसे शांति से स्वीकार करो। युवक को समझ आ गया कि उसका ज्यादा सोचना ही उसकी परेशानी का कारण था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे हर समय अपने विचारों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने मन को स्थिर रखूंगा और ज्यादा सोचने से बचूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। इस प्रेरक कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनावश्यक सोचने से हमें सिर्फ मानसिक थकान और तनाव मिलता है। जब हम ज्यादा सोचने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम सही मायने में शांति प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा सोचना बंद करो, एक और प्रेरक कथा। एक बार की बात है, एक साधु एक छोटे से गांव के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। साधु के शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व से गांव के लोग बहुत प्रभावित थे। वे उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और साधु बड़ी सहजता से समाधान देते। एक दिन गांव का एक युवक साधु के पास आया, जो बहुत ही उलझन और चिंता में था। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। मेरे मन में हर समय तरह तरह के विचार आते रहते हैं। कभी मैं अपने भविष्य की चिंता करता हूँ, कभी अपने अतीत को लेकर पछताता हूँ। मैं इससे बहुत परेशान हूँ और शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, बेटा, पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। युवक ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो नदी पार करना चाहता था। वह एक छोटी नाव लेकर नदी में उतर गया। बीच नदी में पहुंचते ही उसने सोचा, अगर मैं डूब गया तो क्या होगा, अगर नाव पलट गई तो कैसे बचूंगा। ये सोच सोच कर वह व्यक्ति घबरा गया और उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ नाव को संभालने में खर्च होने लगी। उसका ध्यान नदी पार करने पर नहीं बल्कि डूबने के डर पर था। अंत में ज्यादा सोचने और डरने की वजह से वह नाव को सही ढंग से नहीं चला पाया और बीच नदी में ही उलझ गया। साधु ने थोड़ी देर रुककर युवक से पूछा, बताओ वह व्यक्ति नदी पार क्यों नहीं कर पाया? युवक ने कहा, क्योंकि वह डूबने के डर में उलझ गया और सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाया। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हारा ध्यान जीवन के सही रास्ते से भटक जाता है। तुम जो करना चाहते हो वह करने के बजाय अनावश्यक विचारों में फंस जाते हो। ज्यादा सोचना तुम्हारे मन को कमजोर और बेचैन कर देता है और तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हो। युवक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज? साधु ने कहा, तुम्हें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतीत में जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना बेकार है, क्योंकि वह अभी तक आया नहीं है। जो इस क्षण में हो रहा है उसे पूरी तरह से जियो। ज्यादा सोचना उस नाविक की तरह है जो डूबने के डर से नदी पार नहीं कर पाता।
अगर तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो शांति और सफलता दोनों तुम्हारे पास आएंगी। युवक को साधु की बात समझ में आ गई। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि ज्यादा सोचना ही मेरे जीवन की उलझनों का कारण है। मैं अब वर्तमान में जीने का प्रयास करूंगा और अपने मन को शांत रखूंगा।